रावत्स वर्ल्ड बेस्ट प्याज कचोरी। वॉच टावर की तरफ जाते हुए देखने के लिए कि कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है। इस यंत्र मंत्र पूरा एस्ट्रोनॉमी है। वो जमाने में स्पेस रिलेटेड, टाइम रिलेटेड लोग कैसे सब कुछ आइडेंटिफाई करते थे। ये देख रहे हो, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट सनडायल है। तो ये अपना चल रहा है एडिटिंग, अपनी सुबह की चाय और ब्रेड बटर आ गया है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर, खूबसूरत सुबह। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, तैयार हो रहे हैं और जयपुर साइट सीइंग करने के लिए जाने वाले हैं। वो भी एक अलग मजा रहेगा पिंक सिटी घूमने का। तो अभी थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेते हैं, बाकी सब जन रेडी हो रहे हैं, फिर रेडी होएंगे और फिर बाहर जाके पिंक सिटी एंजॉय करेंगे। तो एक आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे में निकल लेंगे। और भाई साहब, ये रूम की हालत कुछ इस तरह है हमारे, सब इतर तितर बितर हो गया है। तो भैया, आज हमारा ये ड्रेस कोड है जयपुर साइट सीइंग का। कौन सा ड्रेस कोड है ये? टाइडा। इतना तो इंग्लिश अपना अच्छा नहीं है, तो टाइडा अपना ड्रेस कोड है। तो अभी निकल रहे हैं जयपुर साइट सीइंग के लिए। ऑलराइट, सब जन सेम ड्रेस कोड में, क्या बात है। ये तो लड़की एकदम यो हनी सिंह। तो भैया, यहाँ का फेमस नमकीन शॉप है ये। यहाँ की कचोरी बहुत फेमस है, रावत एम्पायर करके। और ऐसा बोलते हैं कि जो प्याज कचोरी रहती है, तो ये जो बंदा है रावत, इसने इन्वेंट की हुई कचोरी है। तो अभी वो लेके आएगा तो खा के हम बताएंगे कि उसका टेस्ट कैसे है। बट अंदर नहीं जा सकते क्योंकि पार्किंग का दिक्कत है भैया, तो हम यहाँ पे रुके हैं। क्या बोलती है लड़की, प्याज कचोरी खाएगी? ट्राई करेगी वो। सो हम लोग ने ले लिया है पार्सल कहीं दूसरी जगह। इधर थोड़ा पूरा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो किधर दूसरी जगह पे जाएंगे और फिर वहाँ पे खोल के ये सब चीज़ों का आनंद लेंगे, क्योंकि भूख अभी लगी है। तो यहाँ से निकल रहे हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या लिया है। रावत्स वर्ल्ड बेस्ट प्याज कचोरी। भैया बहुत अमेजिंग है कचोरी, एक नंबर। मतलब बोल सकते हैं कि रावत जी की वर्ल्ड फेमस प्याज कचोरी है ये। तो आप अगर जयपुर में हैं तो प्याज कचोरी तो ट्राई करना। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हम आए हैं आमेर फोर्ट। तो यहाँ से ऊपर जाना है तो 2-3 ऑप्शन है, वॉकिंग तो जा सकते हैं, बट अपने साथ बच्चे लोग हैं, वो थोड़ा रेडी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है वॉकिंग जाने के लिए। इसके लिए जीप की है, एलिफेंट का भी ऑप्शन है, बट जीप से चले जाएंगे। तो पहले आमेर फोर्ट जाते जाते पहले रुके हैं हम स्टेप वेल के यहाँ पे, तो आपको वो कुआं दिखाते हैं। बहुत क्या बोलते हैं उसको भाई, चंद बावरी स्टेप वेल। अभी स्टेप वेल से निकल के आमेर फोर्ट ऊपर जा रहे हैं, वहाँ का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये है जोधाबाई का बर्थ पैलेस। और जो ऊपर वो टावर देख रहे हैं वो वॉच टावर है, वॉच टावर सिग्नल मिलता था। ओके, ये भी आपको चारों तरफ दिखेंगे ऊपर पहाड़ी के ऊपर, पैलेस के अंदर से देखेंगे आप लोग। आमेर फोर्ट के अंदर आपका ट्रैवलर जाते हुए, मौसम तो बहुत बढ़िया है ऊपर। मतलब अगर नीचे सिटी में 14 डिग्री है, तो इधर ऊपर फोर्ट पे आने के बाद 11-12 डिग्री है। ठंड तो भर भर के है राजस्थान में। तो हम
अब जहाँ पे है वो आमेर पैलेस है, फोर्ट की एक हल्की झलक दिखा देता हूँ। फोर्ट ऊपर है, पैलेस था उसके बाद फोर्ट, तो आपको एक हल्की झलक दिखा देता हूँ आमेर उर्फ अंबर फोर्ट। तो आप वो पीछे के साइड देख रहे हैं, वो फोर्ट है आमेर फोर्ट, और हम जहाँ पे है ये पूरा पैलेस है। तो ये आमेर फोर्ट जो है, जिसको अंबर फोर्ट भी बोलते हैं, वो फोर्ट राजा भारमल करके थे उनका था, मतलब महारानी जोधाबाई के पिताजी और अकबर का ये ससुराल है। ऐसा ये आमेर फोर्ट है, उसका थोड़ा हिस्ट्री बता दिया आपको, और बहुत प्यारा फोर्ट है। तो आमेर फोर्ट घूमते अभी, एंजॉय करते। अब हम हैं, आप मेरे जो पीछे देख रहे हो वो है शीश महल। तो बहुत बढ़िया तरीके से तभी के ज़माने के लोगों ने बनाया था, क्या बोल रही है लड़की? अभी के लोग कहाँ ऐसा कुछ बनाते हैं, बराबर है? तो अब ऊपर वॉच टावर की तरफ जाते हुए देखने के लिए कि कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है। तो भैया ये है वॉच टावर, यहाँ से देखना पड़ता है कि कोई फोर्ट पे या पैलेस पे आक्रमण तो नहीं कर रहा है। तो ये हमारे जवान इस पैलेस को सुरक्षित रखने के लिए, क्या बात है। सो गाइज, ये पूरा आमेर फोर्ट के बाहर का सिक्योरिटी वॉल है, और वो जो ऊपर आप देख रहे हो वो बनाया गया था वॉच टावर, ताकि कोई अंदर दुश्मन आ नहीं सके। पूरे फोर्ट पे वैसे वॉल है, देखिए। सो भैया, ये जो आमेर फोर्ट है, आमेर पैलेस है, उसको पूरा बनने के लिए 137 ईयर्स लगे। पहले ये फोर्ट बना, उसके बाद जयपुर सिटी। ये मेरा नॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई गाइड किसी दूसरे टूरिस्ट को बोल रहा था, वो मैंने सुन के आप लोगों को चिपका डाला है। अब उन्हें गाइड नहीं किया है तो दूसरे गाइड बोलेंगे, उनका लेके आपको इन्फॉर्मेशन दे देने का। कुछ लोग अपनी हिस्ट्री को गंदा करते हुए, क्या है ये भाई लोग, थोड़ा संभाल के अपनी हिस्ट्री है उसको खराब मत करो। अभी भैया हम निकले हैं आमेर पैलेस से और जा रहे हैं जंतर मंतर, बट एन रूट जल महल जाके फिर जंतर मंतर जाएंगे। तो ये है जल महल, बहुत खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए पीछे पूरे पहाड़, पानी के बीच में महल। तो ये जो आप लेक देख रहे हो, उसका नाम है मानसागर लेक, और उसके बीच में है ये जल महल। मुगल के टाइम का जल महल है ये, और बहुत बढ़िया नज़ारा है। पहले खाना खाए सर? पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं, बच्चे लोग
बच्चे लोग भी भूखे हैं। तो ये रिक्शा में बैठ के अमृतसर की याद आ गई, क्या बात है। मतलब अभी जा रहे हैं हम लोग, पहले खाना खा लेंगे और फिर भैया हमको जरा घुमाने वाले हैं जंतर मंतर और सिटी पैलेस, तो पहले खाना खा लेते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपका ट्रैवलर आया है अभी जंतर मंतर में अपनी टीम के साथ। तो ये बेसिकली जंतर मंतर पूरा एस्ट्रोनॉमी है, वो ज़माने में स्पेस रिलेटेड, टाइम रिलेटेड लोग कैसे सब कुछ आइडेंटिफाई करते थे वो सब कुछ यहाँ पे है। साइंस रिलेटेड है, तो जिसको साइंस का शौक है वो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। तो थोड़ा घूम लेते हैं जंतर मंतर। ये सब है स्टार साइंस जो बने हैं, ये देखिए सब अलग अलग स्टार साइंस है। और ये है लिब्रा, अपना स्टार साइन। तो गाइज आप ये देख रहे हो, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट सनडायल है, वर्ल्ड का बिगेस्ट सनडायल अपने इंडिया में। ये देखिए पूरा ऐसे है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सनडायल। कितना सीखने को मिलता है यार, मतलब वो टाइम के लोग ये सब कुछ करते थे, उनके लिए ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती थी, क्या बात है। मतलब देख के ऐसे लगता है कि यार सच्ची, मतलब हिस्ट्री ये सब्जेक्ट पसंद नहीं था, अभी थोड़ा अच्छा लगने लगा है मुझे। बच्चे लोग थक गए क्या? थक गए क्या? थक गए? तो फिर लेट रहे क्यों है ऐसा सुस्तड़ के जैसा? तो अभी सब कुछ फ्रेश फ्रेश हो के अभी रूम में ही है हम लोग, और रूम में ही खाना ऑर्डर कर दिया है। तो अभी खाना खाएंगे और मतलब ऐसे ही अपना एक फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खाना वाना खाएंगे साथ में रूम में ही। और फिर कल सुबह जयपुर से निकल रहे हैं, दो दिन का जयपुर का सफर खत्म। यहाँ से हम जाएंगे, आपको कल बताता हूँ कहाँ जाने वाले हैं। और दोनों जगह थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एक जगह तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे तो बहुत मज़ा आने वाली है। खाना मतलब कुछ वहाँ की स्पेशलिटी आपको दिखाऊंगा खाने में, स्वीट में, तो बहुत बढ़िया लगने वाला है। तो ये व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है गाइस, कमेंट करके बता दीजिए। बंदा आपका नया है, सीख रहा है। तो आज का ये व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ गया रहेगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। जो नए हो प्लीज सब्सक्राइब करो। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ, लव लाइफ, लव यू गाइस। क्या है जंतर मंतर भैया? अरे बोलना पहले।
फोन।